वेलकम बैक नासरीन। चलिए ज्वाइन होते हैं रोमान खान के साथ। इनके हमने बहुत बातें सुनी, दास्तान सुनी और इनके साथ बहुत ज्यादती हुई। आगे देखते हैं कि रोमान साहब की आगे क्या कारकर्दगी। क्या ख्याल रोमान साहब? तो ये तो थी आपकी फिल्म की कारकर्दगी। फिल्मों में आपने इतनी स्ट्रगल की, प्रोड्यूसर बने, डायरेक्टर बने, फिल्म नहीं लगी। तो मैं आपको एक मशवरा देना चाहती हूँ, अगर आप कबूल करें तो। जी बिस्मिल्लाह, मोस्ट वेलकम। आप ना सदका दिया करें। हाँ, ये भी बहुत अच्छा आपने सवाल किया। सदका दिया करें, ठीक है ना? और फेसबुक पे आप चढ़ा देते हैं, वो फिर आपको नजर लग जाती है, ये फिर आप... नजरों के बीच में आ जाते, फिर काम रुक जाता है। जी आपने बहुत बड़ी और बारीक बात की है। एज ए मुस्लिम मलका जी, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और बहुत गहराई वाली बात आपने की है। मुझे ये बात एक जगह और से भी हुई है, फ्रेंडों दोस्तों में जैसे बैठे रहते हैं, डिस्कस जिक्र चलता है। तो बल्कि एक हंसी वाली बात है, हम दोस्तों में बैठे हुए थे तो एक दोस्त ने इसी तरह बात की कि यार कुछ सदका दिया कर। मैंने उसे हंसते हुए कहा, मैं अगर सदका और हर हफ्ते गोश्त ये वो देता तो हूँ, और क्या सदका दूं? कहना तू अपने आप में कुड़ियां तू मार के तो सदका दे। नहीं ऐसे नहीं, मजाक कर रहा हूं। नहीं तो मैं, हम अपना हीरो भी जाया करते हैं, डायरेक्टर राइटर सब जाया करते हैं। तो नहीं नहीं, आप सदका दिया करें। कोई फिल्म शुरू करने से पहले, कोई ऐसा काम करने से पहले सदका। ये जो सारी फिल्में बंद है ना, इनका मटेरियल उठा के उस पर से ऐसे ऐसे सदका दे दें, शायद ही फिल्में स्टार्ट हो जाएं। ये बहुत अच्छी बात है। और एक थैंक यू इस अच्छी एडवाइस के लिए, बहुत शुक्रिया। और एक ये के और एक मशवरा है, बींग ए मतलब मुसलमान, जी जी, मस्जिद में आटा भी डलवाया करें। मस्जिद में आटा? हाँ, किसी मदरसे में। मदरसे में? अच्छा, मदरसे में, किसी मदरसे में ना, जहाँ पे मुख्तलिफ शहरों से लोग आके पढ़ते हैं, बच्चे यतीम है, पता नहीं किस किस कैटेगरी के मजलूम किस्म के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ आप आटा भिजवा दें। मस्जिद में कुरान शरीफ रखवा दें, सफ़े भिजवा दें, जानमाज भिजवा दें वहाँ पर। कोई ऐसा यतीम बच्चा हो उसका कोई महीना बांध दें, जो हस्बैंड टॉपिक आप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए हम मुसलमान हैं, हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि हमारी खुशियों में गरीबों का भी तो हिस्सा होता है। बेशक बेशक, जब हम गरीबों का हिस्सा रखेंगे तो ऑटोमेटिक दुआ लगेगी। बिल्कुल, और आप नजर बस से भी बच जाएंगे। बहुत अच्छी मलका जी, बहुत अच्छी। ये होते हैं जो वेल विशर होते हैं ना मलका जी, खुशी होती है। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये आप करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपके सारे काम सीधे हो जाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा रोमान खान, ये बताएं कि फिल्म में तो आपने बड़ी स्ट्रगल करी, टीवी और स्टेज के बारे में आप क्या कहेंगे? इसका भी मुझे पता है, आपने टीवी भी किया और स्टेज भी किया, आप पंगों से बाज नहीं आए, मुझे पता है। मैं वो पीछे बता चुका हूँ, फिल्म भी इसीलिए मैंने अब नहीं शुरू कर रहा हूँ पंजाबी, उसका नाम ही मैंने पंगा रख दिया। चलो देख लो, मैं तमाम समझ गई। तो मलका जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैंने स्टेज भी किया है। अच्छा। और मैंने टीवी भी किया है। टीवी पर मेरे को 4 से 5 सीरियल ऑन एयर है। अच्छा, ऑन एयर है अभी? जी, ऑन एयर हो चुके हैं। मैं अभी बता रहा हूँ, मेरी पुकार पीटीवी से ऑन एयर है। उसमें ये मैं बात कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि फिल्म में डायरेक्टर आने से पहले मैं टीवी किया था मैंने। अच्छा अच्छा। मेरी पुकार में अयूब खोसो, हसाम काजी, लैला वास्ती, बड़े नाम है। ये मेरी कास्ट थी। फिर मैंने किया था इश्क और आतिश। अच्छा। जिसके कैमरा मैन राणा फकीर जमाल साहब थे। अच्छा। उस टाइम वो भी वो सीरियल चल गया, वो सीरियल मेरी पुकार पीटीवी से होने लग गया। अच्छा। और उसके आप देख सकते हैं, आजकल तो यूट्यूब का डेली मोशन पे पहले पड़े होते थे, अब यूट्यूब पे मैं भी वो आ गया, मैंने वो सर्च नहीं किया, डेली मोशन पे पहले पड़ गया। उसके बाद जब नया नया जियो आया, इस पर मेरा एक ड्रामा चला है फर्ज, बाबर अली, सायरा खान, हिना सदीकी, कोयल, शाहजहां और मैं खुद। आप उसमें क्या मतलब राइटर डायरेक्टर? मैं उसका डायरेक्टर भी था, राइटर भी था, प्रोड्यूसर भी था, एक्टर भी था। चार-चार शोबे वो मेरे चले हैं। चार-चार शोबे नाज़रीन, जो बंदा संभालेगा तो वो फिर नजर में तो आएगा। तो आप बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, पहला मेरा मेरी पुकार पीटीवी से होने लग गया। फिर उसके बाद दूसरा मैंने किया इश्क और आतिश। अच्छा। उसके प्रोड्यूसर आउट थे हमारे एक दोस्त है, मैं बल्कि नाम लेना चाहूंगा उनका, नासिर खान साहब। अच्छा। लिंक मेकर उनका एक इदारा। अच्छा। था उनका मैंने किया था, उसमें काशिम महमूद। अच्छा। मारिया वास्ती, असद,
फर्रा शाह, तौकीर नासिर और मोहसिन गिलानी, ये कास्ट थी। बड़ी कास्ट, ठीक है, अपने टाइम की ये बिग कास्ट थी। आज भी बड़ी है। हाँ जी, वो इंडस्ट्री पे चला था। अच्छा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैंने किया फर्ज। अच्छा, वो मेरा चला, अल्लाह आपका भला करे, जियो पे। उसमें मैंने बताया बाबर अली वगैरह ये थे, बाबर अली, सारा खान, हिना सदीकी, कोयल, उसमें काशिम महमूद मारे वास्ते, इसमें ये कास्ट। तो अब कोई मसीह? हाँ, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक सीरियल किया, अल्लाह आपका भला करे, तुम जो ना मिले, किरण नूर, ये सिकंदर खान, ये कैनात सिकंदर जो है, इनके साथ मैंने किया। मैं खुद उसमें था, फानी जाम साहब थे स्टेज के, वो भी चल गया है, वो हम चैनल से चला है। अभी रिसेंटली एज एक्टर मेरा एक सीरियल हम पे चला है, इनकार, वो जो भोले के नाम से लड़का नहीं काम करता ड्रामों में, इमरान अब्बास में उसका नाम है, उसी का ड्रामा, हीरो वो है, मेरा उसमें एक सहाफी का रोल है, लेकिन थ्रू आउट है इनकार, अभी रिसेंटली चला है। अब भी एक पाइपलाइन में एक सीरियल है 100 किस्तों का, उस पर मेरी डिस्कस चल रही है हम चैनल वालों से। ठीक हो गया। वो तीन करेक्टर कराची के वो कह रहे हैं लेने। ठीक हो गया। हीरो, एक हीरो, एक हीरोइन और एक विलन, नहीं यार इजाज़त। ठीक है, ठीक है। तो हीरोइन तीन चार नाम गिनवाए, देखे मैं क्या करता। अच्छा, तो वो है। बाकी सूरत अली सलाम बात जाती है जहाँ स्टेज की। स्टेज सबसे पहले तो मैंने एक प्ले किया था, दिल मांगे और। वो एज ए एक्टर किया था या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर? एज ए एक्टर, बल्कि सॉरी, उसमें मैं एक्टर नहीं था, आपको ये बात बता दो। एक्टर नहीं थे। दिल मांगे मोर में, दिल मांगे और में प्रोड्यूसर थे। मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, दो चीजें, ये दो चीजें थी। नहीं मतलब कि आपको स्टेज से एक्टिंग, स्टेज से डर लगा था कि यार इतने मेरी एक्टिंग ना? नहीं नहीं, बल्कि उससे पहले एज ए एक्टर मैं कर चुका हूँ। अच्छा, स्टार्ट में बेबाक लेने के आया था, तमसील पे चला था, मुईन अख्तर साहब ने, मरहूम ने किया था, वो मैं कर चुका था। फिर अलमरा में मैं दो तीन ड्रामे कर चुका था, ये नहीं कि मैंने नहीं किए। इकबाल मोटरानी साहब हमारे कराची वाले हैं, इनके मैं कॉमेडी छक्का और कॉमेडी गप्पा वो कर चुका हूँ एज ए एक्टर, वो इशू कोई नहीं। लेकिन ये था कि ये इसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा था, ये रिसेंटली की बात है, कोई कोरोना स्टार्ट होने से पहले की बात है, हाफजाबाद में ये मैंने किया था, दो भी किए थे मैंने। तो उसमें भी सिकंदर कैनात दोनों को लिया था, स्टेज पे भी इनकी सबसे पहले एंट्री मैंने कराई है, टीवी सीरियल में भी सिकंदर की पहली एंट्री मेरे साथ है। अच्छा, फिल्म में नहीं, टीवी में। टीवी पे, अच्छा। तो ये सिलसिला मैंने किया, स्टेज हो गया, टीवी हो गया, फिल्म हो गया, रेडियो मैंने कर सका, रेडियो नहीं कर सका, कोई बात नहीं, तीन शोबे से आपको टाइम नहीं मिलता है, अगर टाइम मिले तो रेडियो भी अपना छोड़े। अच्छा, ये तो हो गया सारा सिलसिला, अब हम जाते हैं कोई थोड़ी निजी जिंदगी पे। ये बताया रुमान खान साहब, घरेलू शादियां कितनी की है, फिल्मों की शादियां कितनी की है, सच्ची सच्ची बता दो। मलका जी, मलका जी, नहीं कोई बात नहीं, आपने स्टार्ट में जब ये बात की थी ना, मैंने बात स्टार्ट करके तो घुमा दी थी, लेकिन लगता है आपके जहन की सुई अभी अटकी हुई है। कितनी शादी है बता दें, नहीं बताना चाहे तो गोलमोल कर दें। नहीं, क्या गोलमोल के कोई ऐसा इशू नहीं, जहाँ मैंने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। तो ये शादी वाला इशू नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ। और ये भी कह लें, मेरा इस टाइम इंडस्ट्री में अगर कोई आर्टिस्ट जिसकी सबसे कम उम्र में शादी हुई, कम उम्र में, वो मैं हूँ। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था जब आपकी शादी, मेरी पहली शादी हुई है। फिर इस पहली, हाँ, मैं बता रहा हूँ, पहली, अब दूसरी भी मैं बता रहा हूँ। तो वो शादी मेरे वालदैन ने की थी, उससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दो बेटे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और दोनों जवान है, मैं आपको ये बता दूं, मेरा एक बेटा, दोनों की, उन दोनों बेटों की भी मैंने अब शादी कर दी हुई है। यानी कि इतने बड़े हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। उसमें एक बेटा मेरा इस टाइम दुबई में है। अच्छा, बड़ा बेटा उसका नाम शर्जील खान है। अच्छा, छोटे का नाम सलजो खान है। तो बड़ा शर्जील खान उधर है, और शर्जील खान की अल्लाह ने उसे एक बेटी भी दे दी हुई है, कह रहे मैं दादा भी बन चुका। कोई बात नहीं, अच्छी, ये मैं इस टाइम ऑन एयर कह रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं, कौन सी बात है, ये तो रिश्ते हैं, अल्लाह ताला ने बनाए हैं, तो ये तो नहीं, हमने शुरू में सुना था ना, जब इंडस्ट्री में नया नया था ना,
तो लोग कहते थे आमिर खान ने अपनी शादी छुपाई, फलाने ने छुपाई फलाने, क्योंकि वो हीरो के इमेज पर असर पड़ता है। अब मुझे पता है इसमें कोई असर नहीं पड़ता। सारे देखे इंडियन एक्टर, पाकिस्तानी एक्टर, हाँ। सब अपनी शादी, अपने बच्चे सब शो करते हैं। 13 से 14 साल की उम्र में मेरी पहली शादी हुई। अच्छा। और उसके बाद मेरे ये दोनों बेटे हुए। उसके बाद ये अल्लाह को बस ये मंजूर था, मैं लाहौर आ गया, साथ मेरा निजाम सिलसिला ऐसा था। तो दूसरी